राजकीय सामुदायिक भवन लाखेरी में आज बड़ी सौगात मिली है कि इस हॉस्पिटल में लंबे समय तक एक्सरे और सोनोग्राफी की मांग हो रही थी। आज वो जनता की मांग विधायक मोदी जी ने पूरी की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। जनता को ही दो भाई साहब बताए, इनका ही अपना क्या है, क्योंकि वो यहाँ की बेटी है, इसलिए उनका ज्यादा फर्ज बन जाता है कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है ठीक हो। आने वाले समय के अंदर शीघ्र सीबीसी की मशीन भी बहुत जल्दी लग जाएगी, ताकि जो सामुदायिक भवन हॉस्पिटल है वहां एक छत के नीचे प्रारंभिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण जांच होने के बाद अगर कोई गंभीर बीमार है तो हम कोटा हॉस्पिटल में उसको रेफर कर सकें, क्योंकि कोटा और लाखेरी की दूरी करीबन एक घंटे की रहती है, जो बहुत दूरी पड़ती है। आने वाले समय में लाखेरी से जयपुर की दूरी भी कम हो जाएगी, तो लाखेरी एक बीच का स्थान है और लाखेरी के अंदर मेरी कोशिश होगी कि एक यहाँ पर बेहतर तरीके एम्बुलेंस हो, ताकि कोई इमरजेंसी में कोई बात हो जाए तो वह बूंदी, कोटा या जयपुर कहीं भी उसका इलाज हो सके। आज समारोह के अंदर पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा जी, प्रधान जी, हमारे जिलाध्यक्ष शीतल राणा जी, राम बाबू जी, सीएमएचओ साहब, सभी पदाधिकारीगण, प्रधान जी, दोनों प्रधान नेनवा केशव पाटन के, आने वाला समय के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारियों के आकार परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई तरह की बीमारी आ रही है, नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं। पिछली बार हमने कोरोना के वेरिएंट को देखा है, किस तरीके से भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उस कोरोना के कारण हमारे काफी लोग दुनिया के और भारत के नहीं रहे। इसलिए व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रहे, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इस सारे इलाके के अंदर, क्योंकि इसके आसपास सराउंडिंग में 50-60-70 गांव लगते हैं और 70 गांव के लोग यहां पर आते हैं, इसलिए 70 गांव के लोगों के लिए प्रारंभिक रूप से मेडिकल फैसिलिटी ठीक हो और उसके जांच के परिणाम में कोई बात आए तो उनका कोटा या जयपुर या दिल्ली के अंदर इलाज हो। मैं आपसे मांग करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंभीर बीमारी हो तो कोटा में हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकता है, जयपुर संपर्क कर सकता है, दिल्ली संपर्क कर सकता है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे कोटा में डॉक्टर को दिखाना हो, चाहे जयपुर में दिखाना हो, चाहे दिल्ली में दिखाना हो, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि प्रारंभिक जांच में ही कोई लक्षण नजर आए तो उसकी बीमारी का इलाज शुरू करें। कई बार पेशेंट गांव के अंदर क्या है कि बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, जब जाके पास डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर के सारे प्रयास के बाद भी बेहतर परिणाम नहीं ला सकता, लेकिन अगर जांच में प्रारंभिक लक्षण के अंदर ही कोई जांच में कोई लक्षण आया और उसकी बीमारी का इलाज शुरू कर दें
तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है और उस बीमारी को रोकथाम भी किया जा सकता है। इसलिए प्रारंभिक रूप से सीएससी के हॉस्पिटल अत्यधिक रूप से जांच के प्रमुख केंद्र होने चाहिए। अगर इतनी बड़ी जगह पर कोई के पैर में कुछ फ्रैक्चर हो जाए तो क्या वो भूगी जाएगा, कोटा जाएगा, एक्सेट्रा। इससे मैंने सीएम जो साहब से कहा कि एक्सरे की मशीन तो हर जगह लगा देंगे, लेकिन टेक्नीशियन की आवश्यकता है, सोनोग्राफी में टेक्नीशियन की आवश्यकता है। तो आजकल हालत ये है कि एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी है, तो टेक्नीशियन नहीं है। और बिना टेक्नीशियन के, बिना सोनोग्राफी जांच के परिणाम के आपको इलाज कर नहीं सकते। बिना एक्सरे के देखने वाला व्यक्ति जब तक कोई जांच नहीं कर सकता। इसलिए ये भी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को प्रारंभिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ताकि कुछ प्रारंभिक जांच अपन यहाँ कर सके और अपन को लगे कि ऐसे लक्षण है कि इनका कोटा या जयपुर या दिल्ली में इनका इलाज कराना है, तो आप निश्चित हो हम आपके लिए बैठे हैं। कभी भी किसी वक्त काम आए आप हमें बताएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। मैं पुनः आज इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और भीमराज जी संगी और उनकी पत्नी जी को भी, जिन्होंने देह दान देकर एक बड़ा पुण्य का काम किया है, क्योंकि इनकी देह दान से कई मेडिकल के स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, परीक्षण करेंगे और बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। मैं उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी अनिता जी ने नित्य दान किया, इनकी आंखों से किसी की रोशनी आएगी, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।